देश अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। शिक्षा क्षेत्र अमौली के परसदी विद्यालय में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के विशेष सप्ताह के तहत खंड शिक्षा अधिकारी हौसला प्रसाद के नेतृत्व में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं महापुरुषों की झांकियां निकलीं तो कहीं पर बुजुर्गों के साथ युवाओं का संवाद हुआ। क्षेत्र के प्रसिद्ध पूर्व माध्यमिक स्कूल विद्यालय कुलखेड़ा में शिक्षक उमेश कुमार के नेतृत्व में देश की बात बुजुर्गों के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महापुरुषों के स्वरूपों में नजर आए बच्चे, तो वहीं पर भारतीय इतिहास को जन जागरूकता का विषय बनाने के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अभियान में शिक्षकों के साथ जागरूक ग्रामीण महिलाएं तथा कोविड नियमों का पालन करते हुए शिक्षकों ने पूरी तरीके से जोरदार नारों के साथ गांव-गांव में घूम करके लोगों को भारतीय इतिहास के बलिदानी महापुरुषों के योगदान के बारे में जागरूक किया। देश की बात बुजुर्गों के साथ भारत माता की जय, भारत का इतिहास सबको बताएंगे, आओ आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं जैसे नारों के साथ गांव की गलियां गूंज उठीं। वहीं बुजुर्गों को बच्चों के साथ आज़ादी की गौरव गाथा पर बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां सभी उपस्थित लोगों ने पहले राष्ट्रगान गाकर देशभक्ति का जज्बा दिखाया व बातचीत में आज़ादी के प्रति बुजुर्गों की बातें सुनी। उपस्थित जनमानस को संबोधित कर आयोजक शिक्षक उमेश कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कुशल निर्देशन में चल रहा ये अमृत महोत्सव भारत के इतिहास में आज़ादी के लिए अपना बलिदान कर गए वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि है और भारत के भावी भविष्य नौनिहालों तक यह संदेश इस माध्यम से पहुंचाना बहुत ही प्रेरणादायक है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सुरेश त्रिपाठी, शिव गोपाल कुशवाहा, सरोज सोनकर, राजेश कुमार, लोकेंद्र नाथ, दीपा वर्मा, जय रानी, सुनीता, अनीता, ब्रजेश कुशवाहा तथा आधा सैकड़ा ग्रामीण उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं इस बारे में आयोजक शिक्षक उमेश त्रिवेदी ने क्या कहा। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का कार्यक्रम है और उनके ही कुशल नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश में संचालित है, और इसमें मैं तो ये मानता हूँ कि ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है उन सभी वीर सपूतों के लिए जिन्होंने भारत देश की आज़ादी को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए अपने बलिदानों की झड़ी लगा दी, और इस कड़ी में जो भावी पीढ़ी तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये बीड़ा उठाया है कि हमारे इतिहास को भावी पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, हम तक पहुंचा जिस प्रकार अपने बुजुर्गों के द्वारा, इसी तरीके से शिक्षकों के द्वारा, हम सब के द्वारा नौनिहालों तक पहुंचे जो भावी पीढ़ी है हमारे भारतीय हमारे हिंदुस्तान की, तो वो निश्चित रूप से अक्षुण आज़ादी को के इतिहास को जानने वाली चीज़ है, और ये एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है कि हमारी पीढ़ी इसे जानेगी।